वाह जी वाह, क्या बात है। आज तो बड़ा जोश जज्बा है हमारे सेट में। लगता है सबरूसो हिट द स्पॉट और खूब ज्यादा, बिकॉज शाइस्ता लोधी इज विद अस। शाइस्ता जो है ना, ये एनर्जी की एक पूरी दुकान है, तो इनको देख के वैसे ही इंसान जो है ना, सुस्त इंसान भी एकदम से एनर्जी में आ जाता है। होगा आ जाए जी। हाँ जी चले, जबरदस्त गेस तो कर गई होंगी आप। बिल्कुल, बड़ा खेला है बचपन में। लेकिन इससे फायदा जो है ना, आप ऑडियंस को दिलवा रही हैं, पता है। ओए, 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 ओए। क्योंकि आप जो बैलून हिट करेंगी उसमें से जो पर्ची निकलेगी उसमें जो भी होगा आप एक्ट करेंगी, जो ऑडियंस में बैठा हुआ इंसान उस एक्ट को पहचान जाएगा कि ये क्या है, कर पाएगा, उसे प्राइजेस मिलेंगे जी। उसको गिफ्ट मिलेंगे और रोज की तरह बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, सबके लिए गिफ्ट्स हैं, और आज हैप्पी लैक पेंट्स की तरफ से भी एक्सटेंड हो चुके हैं बहुत सारे गिफ्ट्स फॉर एवरीवन। अच्छा अच्छा अली, मैं एक हेल्प ले सकती हूँ? जरूर। एक हेल्प, ऑडियंस में कौन मेरा भाई मेरी मदद करेगा? नहीं नहीं, बहन ने कर दिया, एक भाई कोई मदद कर, आ जाओ। ये जो होस्ट होती है ना, तुम्हारे तो अपने वजन जितनी है ये राइफल। भाईजान शायस्ता, स्विच करना कोई आपसे सीखे। ये जरा पीछे आ जाए और पहले तो चेक कर लें कि ये गन लोडेड है। इसको पहले तो लोड, आपने ये गन चलाई है पहले? पहले कभी नहीं चलाई। किसने चलाई है? आपने चलाई? सर आप नहीं, चला लेंगे, अब आप बुला चुके हैं। हाँ, चला लेंगे। अच्छा मैं लोड करके देता हूँ इसे। हाय हाय हाय, मुझे डर लगता है इससे। और वो बलून जो सामने है, आप जाहिर सी बात है देख रहे हैं, बस इसी को मारना। हाँ भाई, वो हमारे कैमरामैन भाई को बचाए वहाँ पर। मैं तो पूछ रही थी वो जो कैमरामैन है उसके मम्मी ठीक है। इनके लिए खास प्राइज आ जाए भाई। क्या नाम है आपका? आ जाए जी, और ये भी साथ लेते हुए जाए की तरफ से। और इस पर्ची में अब जो भी निकला है ये आपको शाइस्ता एक्ट करके दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत मुश्किल है, ये कोई एक्ट वैक्ट नहीं हो सकता। आपने पूछना है कि ये क्या कर रही है। चले जी, ट्राई करते हैं जी। बोले बोले नहीं, ये तो कोई सैंड ड्यून्स लग रहे हैं। हाँ एक्ट, माउंटेन। यस यस, क्या कहा आपने? पहाड़, पहाड़, माउंटेन, माउंटेन। यार मैं बोल सकती हूँ कि नहीं? मैं नहीं बोल सकती। नहीं नहीं, आप इशारे की, वो जो उन्होंने कहा था पहाड़ चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ चढ़ना। जिन जिन ने सही जवाब दिए सब वॉलंटियर प्लीज बांट दें। अच्छा जी, अगले गुब्बारे में क्या निकलने वाला है ये देखते हैं। ये कौन? आप निशाना नहीं लगा सकती? एक निशाना तो लगाएं जरा। ये बड़ा मुश्किल है, ट्राई करते हैं। लेकिन मैं आपकी मदद करता हूं, मैं लोड कर देता हूं आपको। जी जी जी, हाय हाय, आ जाए। और आप भाई कैमरे के पीछे से हट जाओ, कैमरा ऐसे ही छोड़ दो। बे यारो, मददगार कैमरा छोड़ दो, वरना तुम्हारी अम्मा मुझे बोलेंगी। ओके जी, इसके पीछे आ जाए प्लीज। ये ले, ये कभी भी नहीं हो सकता अली। ये ले, आसानी से उसने अपने कंधे में लगाए ना ऊपर। ये नहीं नहीं, ये यहाँ पे, और इसके बीच में से देखें ताकि जो, क्योंकि थोड़ी सी प्रेशर वाली गन है ताकि आपका कंधा सपोर्ट करे। ओके, वन टू, ये कभी क्यों नहीं हो सकता। क्या बात है, पर्ची कहाँ गई? कि थी नहीं इसमें पर्ची? अच्छा, नहीं, 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 नहीं थी। अगेन, नहीं थी। अगेन, एक और इसमें पर्ची नहीं। बहुत हो गया ना, हाथों से तोड़ फाड़ देती हूँ। निशानेबाज बन गई। नहीं नहीं नहीं, फ्लूक तो नहीं था, वैसे फ्लूक था, सही बात। ओके, बड़ी कोई प्लानिंग। वन टू, ये वो निकला, पर्ची निकली, फ्रूक नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ले जी शाइस्ता, आप क्या करने वाली हैं? हाँ, मैंने क्या करना है ये? ओहो, अच्छा अच्छा, बताइए ये क्या कर रही है शाइस्ता? ओहो, ये सारे बांटते जाए शॉपिंग। अब ये बांटती जाए, अब ये देखेंगे।
फिर तो सारे खत्म हो जाएंगे। कौन ये नहीं, तालियां तो बजाएं। शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, ये हैप्पी लैक पेंट की तरफ से और ये माज जी की तरफ से और ये माज जी की तरफ से। आइए शाइस्ता। हाँ जी, क्या बात है, निशाना तो आपका बिल्कुल सही है भाई, बहुत खेला है। क्या बात है, सीरियस निशानेबाज। एक बार फिर तालियां। और इतनी अच्छा शाइस्ता। हाँ। अब आपके साथ छोटा सा एक और गेम हम करने वाले, सुकून वाला, बैठ के रिलैक्स करें, चिल करें, लेकिन बोलना सच है। बस थी, अब जरूरत महसूस हो रही है जाएंगी। हाँ। अच्छा, आपको एसएमडी पे कुछ तस्वीरें दिखेंगी, जो तस्वीर दिखे उसके बारे में पहला जुमला या पहला लफ्ज आपके जहन में आए बोल। समझ गई, समझ गई। शुरू करें फिर, बिस्मिल्लाह। दिखाएं जी पहली तस्वीर। वन वर्ड डिस्क्रिप्शन, राइट? बिल्कुल। सनम जंग, प्यारी प्यारी। नेक्स्ट सीनियर, ठीक है, सीनियर, ओके। नेक्स्ट ब्यूटीफुल, सनम बलोच, जी जी। नेक्स्ट साहिर मलोजी, लव लव। नेक्स्ट फहद मुस्तफा, एनर्जी। नेक्स्ट फैसल, फनी फनी। नेक्स्ट एहसन खान, डूड। नेक्स्ट फरा, एजुकेटेड, नॉलेजेबल। नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट जुगन, जुगन काजमी, 440 वॉट्स। मदीहा नकवी, क्विक लर्नर, ठीक है, गुड। नेक्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर जी। हाँ जी, नहीं कुछ क्या कहा आपने, वो बाजी देख रही है। बस इतना ही। बाजी, बाजी के बारे में कुछ बोले तो सही। बाजी ठीक है, सही है, बाजी ठीक है, सही है, अच्छी है, अच्छी है बाजी, अच्छी है बाजी, बहुत अच्छी है, तालियां बजाएं। रमजान के बाद का क्या प्लान है, ईद के लिए बाद छुट्टियां? ईद के लिए छुट्टियां, फिर मैं चली जाऊंगी। अभी प्लान ऑब्वियसली हॉलीडेज हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं जाना चाहिए, साउथ अफ्रीका एंड कुछ बाद में और ट्रिप्स हैं इधर उधर। आपको पता है बच्चों की फरमाइशें और चीजें, और जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं तो आप वहाँ चलते हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं। आपको डिज्नी नहीं भी जाना मगर फिर भी जाना है। साउथ अफ्रीका क्या सफारी पर जा रहे हैं? नहीं, साउथ अफ्रीका सफारी नहीं, साउथ अफ्रीका का तो मेरा घर है ना। अच्छा, आप जोबर्ग में रहती हैं? जी। वाओ, ये कब से हुआ ये? काफी सालों से, काफी सालों से। अच्छा, अमेजिंग। जी जी जी। तो कैसा है, हाउज लाइफ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन ये बड़ा मुश्किल लगता है ना, इतना शंट कर आना जाना। ये मुझे वाकई बताएं जल्दी जल्दी से, नाउ सम सीरियस कन्वर्सेशन। सब कहते हैं पाकिस्तान में रहना डेंजरस है, मेरा इत्तेफाक साउथ अफ्रीका में फ्यू टाइम्स हुआ है, डर्बन, जोबर्ग, केप टाउन, हर जगह सिक्योरिटी, लोगों के घरों पर वाकई इलेक्ट्रिक वायर्स, और जो लोकल लोग हैं उनसे सब डरते हैं। शाम को बहुत ही अजीब सा माहौल, इज दिस करेक्ट? अली, डिपेंड करता है आप किस एरिया में। होता है वहाँ? हाँ, होता है, होता है, बहुत ही खौफनाक, वहाँ भी खौफनाक सिचुएशन है, लेकिन वो एरियाज जैसे कराची में सारे एरियाज बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है नहीं। आप कुछ एरियाज में बड़े आराम से निकल भी सकते हैं, और खवातीन रात को भी निकल रही होती है। मैं तो कितना देखा है डिफेंस में, तरावी के बाद खवातीन खुद ड्राइव करके घर जा रही होती हैं, तो ऐसा नहीं है वहाँ भी, इसी तरह है। हम जिस एरिया में रहते हैं वो जरा सेफ है काफी, और मजा आ रहा है साउथ अफ्रीका में, बहुत 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 गुड। अच्छा। अच्छी चेंज होती है पाकिस्तान से, जब वहाँ जाओ ना जी, तो बहुत अच्छा लगता है। शायद मेरे लिए इसलिए चेंज हो रहा है, ये वहाँ भी है कुछ, ये जाहिर है सपोर्ट तो वहाँ है, सो लाइफ की बड़ी अच्छी ये सेटिंग है कि आप कुछ दिन बिल्कुल डेडिकेटेड फैमिली के लिए होते हैं, फिर कुछ दिन अपना काम करते हैं, मेरी क्लिनिक भी है तो फिर मेरा आना जाना ज्यादा भी है, शो भी है, क्लिनिक भी है, तो आपका आना जाना लगा रहता है। और मेरे ख्याल में ट्रैवलिंग आपको भी बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है, मैं फिर ट्रैवलिंग को फन और पढ़ाई बना लेती हूँ ना, 5 दिन की ट्रेनिंग वहाँ कहीं किसी चीज की कर ली। और अभी चिट चैट और गेम्स खत्म नहीं हुई है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि आज हमारे साथ हैं शाइस्ता। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। We'll be right back.
आराम से वो सीट सी ना हिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़, वेलकम बैक टू बारानए रहमत। हमारा आखिरी सेगमेंट जो हमारा सेलिब्रिटी लाउंज सेगमेंट होता है, शाइस्ता लोधी हमारे साथ हैं, बड़े मजे की बात कर रहे हैं और अब एक आखिरी गेम भी खेलेंगे क्योंकि वो ढेर सारे प्राइजेस जो है नताशा, हाँ। वो आखिर ऑडियंस तक भी तो पहुंचाने, बिल्कुल पहुंचाने। आ जाए, उठ जाए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जी जी, अच्छा जी, खड़े होके, खड़े होके, चलने, ठीक चले जी। ये एक एक यस एंड नो करना है। अच्छा, ओके, आपने माय फॉल्ट, माय फॉल्ट, मैं कह रहा हूँ, पहले ये खड़े खड़े कर लेते हैं, देन वी रश टू द ऑडियंस। अच्छा, मेरे ख्याल में दो मिनट के लिए बैठ जाते हैं, ये वाली गेम कर लेते हैं प्लीज। अच्छा, वो ये आपने जिस बात और जिस बात पे ना होगा वहां पे आपने हाँ लगाना है, सिर्फ हाँ और ना में क्या शाइस्ता किसी दूसरे चैनल के लिए मॉर्निंग शो होस्ट करेगी? नो, इस किस्म के क्वेश्चन, ठीक है, ओके। कभी बहुत बड़ा झूठ बोला? यस। नो, नो, क्या? किसी का दिल दुखाया? यस। किसी का नहीं, यानी कि नहीं दुखाया? मतलब अच्छा, वहां सही है, ठीक है, ओके। कभी लाइव शो में कोई खतरनाक फंबल हुआ? नो। अकेले में कभी रोना आता है? यस, ठीक है। बचपन में वापस जाने का दिल चाहता था? बैक टू योर चाइल्डहुड। यस। या कभी किसी फैन ने शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया? नो, लाइक अ प्रपोजल आई गेस। बच्चों से ज्यादा दोस्ती है? नो। बचपन में कभी जोरदार मार पड़ी? यस। और कभी अपने करियर को फैमिली से पहले रखा? नो, नहीं, यस, यस, नो, ऑब्वियसली, यस। क्या बात है, अब आ जाए जी, बेचारे ऑडियंस इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, पहले रो में मैं बांटूंगा, हलीब की तरफ से, हैप्पी लैक पेंट्स की तरफ से, जवेलिया कॉस्मेटिक्स की तरफ से, माशाल्लाह बाराने रहमत पे नताशा रोज गिफ्ट्स बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, हमारी मेहमान इतनी दिलचस्प होती रहती है शाइस्ता, कि हमें मौका ही नहीं मिलता इनके पास आने का, क्योंकि हमारे गेस्ट जो है इतने इंटरेस्टिंग है। लेकिन प्लीज मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, ये लें जी। लेकिन ये मां जी के जो कॉपी नहीं की, बताएं, नहीं सारी खबर आप सारी इस वक्त कह रही हैं, मेरे भाई को कुर्ता दे दो, है ना, कान ये ले जी, ये ले, ले 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 ले, या मां जी का चूड़ा ले, ये ऐसे नहीं यार, ऐसे करें, ये ले। और ये हलीब की तरफ से, इस पे आपका नाम है, ये ले सर। ओए होए, ये तो बहुत भारी है भाई। नताशा, ये तो आपके वेट जितना है ना करेंगे, बहुत भारी है ये। वॉलंटियर्स आ जाए ना बच्चे, आप लोग आ जाओ ना साथ, सबको गिफ्ट देंगे, सबको गिफ्ट मिलेंगे, पिज़्ज़ा बाइट्स की तरफ से, स्पेशल गिफ्ट हैंपर्स हैं, ये कौन लेगा? ये नहीं, ये फ्री पिज़्ज़ास हैं, जिन्हें पिज़्ज़ा पसंद है, ये जितनी औरतें सबसे छोटी उम्र की बच्ची जिन्हें पिज़्ज़ास पसंद है, फौरन छोटी बन जाओ तुम। हाँ, ये पीछे देखो बेटा, बेटा बेटा आपका, आप, ओ गॉड, तो खींचा खिंचाई हो रही है, नहीं नहीं, तो बहुत मुश्किल है। आ जाइए, आराम से, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, ऊपर दे दे तालियां। ये है जल्दबाज कॉम, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, आराम से, आराम से, कोई बात नहीं है, नाम भी मिला ले रहे। ऑडियंस साहब से तामुल का गुजारिश है जी,
WB by हिमानी की जानिब से ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट, बहुत शुक्रिया, जो आपके साथ जाएगा। थैंक यू वाली, यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आ जाए, इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। हाँ। अच्छा? थोड़ी सी और बातें कर लेते। ओके ओके, ऑडियंस से ना कहें कि सवाल करें। ऑडियंस अगर आपको सवाल करना है शाइस्ता से तो प्लीज माइक पास करते हैं आपको। कोई सवाल करना चाहे शाइस्ता से तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इस वक्त ऑडियंस बहुत बिजी। हाँ बिल्कुल, इस वक्त ऑडियंस। अच्छा, लेकिन ये मैं आप दोनों के लिए कहना चाहूंगी, या इवन और जितनी ट्रांसमिशन हो रही हैं जिन जिन चैनल्स पे, उन सब के होस्ट के लिए, कि हम ना टीवी घर पे बैठते हैं और फिर टीवी देख रहे होते हैं, अच्छा जल्दी से कब अफ्तार का टाइम हो रहा है, वो उसको देख के वो, लेकिन जो हम तो घर पे बैठ के रोजा करें, आप लोग ये सारी एक्सरसाइज घर से आना, इतनी कराची में आपको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है इस वक्त की गर्मी का क्या हाल है। जी बिल्कुल, तो आप लोगों के सब्र को और जो डेडिकेशन आपकी अपनी इस जॉब से है उसको सलाम है भाई। थैंक यू सो मच, स्पोकन लाइक अ ट्रू प्रोफेशनल, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट कोई करता है तो दिल बड़ा हो जाता है और एनर्जी आ जाती है, हिम्मत आ जाती है, और हमारी अपनी आवाजें नहीं निकल रही होती। मेरा तो मियां कहता है अफ्तार के बाद फोन करो तब तुम्हारी आवाज निकलती है, तो ये सही बात है, हमारी नहीं निकल रही थी 5 बजे के बाद तो एनर्जी बिल्कुल, और हमें तो ये एनर्जी का एक पेस कायम रखना, बिकॉज स्क्रीन पर आप आते हैं तो वो तो बड़ी बात है जी। आप तालियां बजा दें तो कुछ नहीं होगा। और जाते जाते एक हमारी आवाम के लिए, आपके फैंस के लिए एक रमजान का मैसेज भी देती जाए। सोच ले, कोई बात नहीं, सोच ले। नहीं, ओके, ये मैंने सोचा नहीं था, दिस इज ओके। रमजान का मैसेज, आई थिंक मुझे तो ये लगता है और हमेशा से हमें अपने घर में भी ये सिखाया गया है कि ये जो हम बहुत दफा सुन रहे थे नेकी, ऑब्वियसली वन बाय वन गेट 70 फ्री है, आप एक नेकी 70 नेकियों के बराबर सवाब है, तो आप ज्यादा से ज्यादा करें। रमजान की बात जैसे ही आती है हमें फिर वो जो अंदर का चीज है वो जाग जाती है, शैतान उजागर हो जाता है, वो बोलना नहीं चाह रही थी जी, तो वो नहीं करना चाहिए बेशक, हमें अपनी पर्सनालिटी चेंज का सोचना चाहिए, नॉट ओनली फॉर 30 डेज। बिल्कुल, हम भी हमेशा यही कहते हैं कि रहमतों का महीना है, सिर्फ रमजान के महीने के बारे में ना सोचे, पूरा साल बचा है, जितनी नेकियां कम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, राइट, टू बी एबल टू हेल्प ईच अदर, इसी में तो मजा है। आखिर में हम सबको ये जरूर दुआ करनी चाहिए इस प्रोग्राम के थ्रू, इतना खूबसूरत नाम है बारान रहमत, तो खुदा ताला आपका दिल और आपके हाथ दोनों अपने लोगों के लिए कुशादा करें। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। ठीक है जी, और अली हमारा भी यहाँ पे ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ, हमारी भी छुट्टी होने वाली है। अच्छा, हाँ अच्छी बात है जी, और हमेशा की तरह बड़ा मजा आता है जी नताशा, और कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि वो टॉपिक, वो पैगामात, उन सवालों के जवाबात लेकर आए हम आप लोगों के सामने, उन मसलों के हल लेकर आए जो आप चाहते हैं सुनना, और कल इंशाल्लाह इसी चीज के साथ और इन्हीं दुआओं के साथ कि आप लोग भी खुश रहें और अल्लाह ताला हमें भी खुश और हिम्मत देता रहे, इसी तरह आप लोगों के साथ हम बाकी के जो दिन हैं रमजान के चांद रात तक आपके साथ रहें, और आपके फेवरेट लोगों से आप अली खान और मैं आपके साथ होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत गर्मी है, रोजे रखिए रखिए रखिए, लेकिन साथ में अपना ख्याल भी रखिए। टिल टुमारो हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।